हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू अरान एंटरटेनमेंट। तो देखो यार, बॉलीवुड में और हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में कुछ ऐसी मूवीज देखने को मिलने वाली है जो कुछ सोशल मैसेज भी देती नजर आएगी, कुछ नए सुपर हीरो यूनिवर्स को भी क्रिएट करेगी। तो सबसे पहले मैं आपको कुछ ऐसी मूवीज के बारे में बता देता हूँ जो सोशल मैसेज देना चाहती है। सबसे पहले जयेश भाई जोरदार, जिसमें हमें नजर आने वाले रणवीर सिंह। ये मूवी में रणवीर सिंह एक गुजराती बिजनेसमैन का रोल प्ले करे, लेकिन साथ साथ ये मूवी में हमें मैन और वुमेन दोनों ही इक्वल है ये मैसेज देखने को मिलेगा। इसके अलावा दूसरी चीजें भी देखने को मिलेगी, लेकिन वो मुझे नहीं पता कि ये मैसेज हम पहली बार इस पर्टिकुलर मूवी में देख रहे हैं। हमको पता है कि ये सारी चीजें हमने कई बार मूवीज में और बहुत सारी जगह पर सुन भी चुके, तो ये मूवी में क्या नया होने वाला मुझे नहीं पता। लेकिन रणवीर सिंह अपनी एनर्जी से इस मूवी को एक अलग लेवल पे लेके जाएंगे, इतना मुझे पता है। उसके बाद जो दूसरी मूवी है उसमें हमें नजर आने वाले विक्की कौशल और सारा अली खान। ये मूवी का टाइटल अभी फिक्स हुआ नहीं, लेकिन खबरों की माने तो भाई ये मूवी भी एक सोशल मैसेज देने के लिए ही बन रही है। तीसरी मूवी जिसमें हमें रणदीप हुडा और इलियाना डिक्रूज देखने को मिलती है, इस पर्टिकुलर मूवी का नाम है अनफेयर एंड लवली, और मूवी मूवी स्किन टोन के इशू को उठाने वाली है। हालांकि स्किन टोन का इशू आजकल बहुत ज्यादा बढ़ गया, कहाँ बढ़ गया वो तो आप लोगों को पता होगा, और स्किन का कलर मैटर करता है भाई, मानो या ना मानो। उसके अलावा जो चौथी मूवी है वो है डबल एक्सएल। अब इस पर्टिकुलर मूवी में हमें नजर आने वाली है उमा कुरैशी और सोनाक्षी सिन्हा, और मूवी हमें बताना चाह रही है कि भाई वो जिस तरह से बुलिंग और हम लोग मोटे लोग पे जो बॉडी शेमिंग करते हैं, तो उस सब्जेक्ट पे ये पर्टिकुलर मूवी बेस्ड है। अब पता नहीं ऑडियंस को ये मूवी कितनी पसंद आती है, मुझे नहीं पता, क्योंकि उमा कुरैशी और सोनाक्षी सिन्हा दोनों ही को ऑडियंस पसंद नहीं करती है। फिर उसके अलावा फाइनली एक मूवी है जिसमें हमें नजर आने वाला है नवाजुद्दीन सिद्दीकी और नुपुर सेनन। मूवी का नाम है नूरानी नूरानी चेहरा, और ये मूवी का सब्जेक्ट भी अनफेयर एंड लवली से काफी ज्यादा मेल खाता है। बॉडी के कलर से रिलेटेड ही काफी कुछ चीजें देखने मिलेंगी, लेकिन साथ साथ ये एक ट्विस्ट है कि ये एक लव स्टोरी भी होने वाली है। तो ये कुछ मूवी है जो आपको सोशल मैसेज देने की कोशिश करेगी। मूवी मैसेज के लिए कौन देखता है वो मुझे नहीं पता, मूवी सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए देखी जाती है इतना मुझे लगता था, लेकिन अच्छी बात है मूवी के जरिए अगर हम लोग कुछ सोशल मैसेज दे देंगे तो बहुत ही बढ़िया होगा, लेकिन वो ऑडियंस किस तरह से लेती है वो देखने की बात है। लेकिन उसके अलावा अगर हम लोग कुछ अलग हटके बात करें तो देखो यार, बॉलीवुड में कुछ सुपर हीरोज की मूवीज बन रही है, जैसे कि हाल फिलहाल में आपने शक्तिमान मूवी के अनाउंसमेंट को भी देखा। अब इस पर्टिकुलर मूवी का सिर्फ अनाउंस ही हुआ है, अभी कुछ भी कास्ट हुआ नहीं है, लेकिन जहां तक मेरी सोच बता रही है तो इस पर्टिकुलर मूवी में हमें देखने को मिलने वाले विद्युत जम्वाल, क्योंकि विद्युत जम्वाल से अच्छे एक्टर कोई मुझे समझ में नहीं आ रहे एज शक्तिमान। ये अल्लू अर्जुन और ये साउथ का कोई भी एक्टर फिलहाल, क्योंकि जिस लेवल का एक्टर हमें चाहिए शक्तिमान को प्ले करने के लिए, वो आज की तारीख में एक ही एक्टर है, वो है विद्युत जम्वाल। विद्युत जम्वाल के अगर आप लोग बहुत सारे वीडियोस देखो तो वो बहुत सारी ऐसी चीजें बताते हैं जो आज के यूथ को बहुत ही अच्छी भी लगती है और वो लोग उनको फॉलो भी करते हैं। और शक्तिमान भी ऐसे है कि हर एपिसोड के अंदर हमें कुछ ना कुछ सीख देकर ही जाते हैं, तो मेरे ख्याल से शक्तिमान का रोल अगर विद्युत जम्वाल करे तो वो बहुत ही ज्यादा अच्छा होगा। वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि भाई कौन प्ले कर रहा है। उसके अलावा मिस्टर इंडिया, जिसकी स्क्रिप्ट अभी स्टेज पर ही है, अली अब्बास जफर इसे डायरेक्ट करेंगे और फिलहाल स्क्रिप्टिंग ही चल रही है। आप देखते हैं मिस्टर इंडिया जब रिलीज होगी या जब बनेगी तो क्या बनेगी, और वो अनिल कपूर और अमरीश पुरी वाला मैजिक हमें फिर से देखने को मिलेगा वो तो वक्त ही बताएगा। उसके अलावा एक मूवी रिलीज हो चुकी है जो कि सुपर हीरो के जॉनर को एक अलग वे में प्रेजेंट करने वाली है, उसका नाम है ब्रह्मास्त्र। रणबीर कपूर, आलिया भट्ट और ये आयान मुखर्जी बना रहे। ये हमें तीन पार्ट्स देखने को मिलेंगे मूवी के, और पहला पार्ट अब फाइनली इसी साल रिलीज होगा। यार बहुत ज़्यादा डिले हुई है ये मूवी, देखते कि ब्रह्मास्त्र आके क्या तहलका मजा आती है। उसके अलावा भाई हमें नागिन पिक्चर देखने को मिलेगी, जिसके बारे में आप लोगों को पता था, ये नहीं पता था ना, ये भी एक ट्रायलॉजी है और इसमें श्रद्धा कपूर नागिन का रोल प्ले कर रही है। मुझे नहीं पता कि श्रद्धा कपूर नागिन के रोल में कैसे लगेगी, क्योंकि लास्ट टाइम मैंने श्रीदेवी जी को देखा था नागिन के रोल में, वो बहुत ही तबाही लगी थी, लेकिन श्रद्धा कपूर के बारे में मैं कुछ बता नहीं सकता। और इस पर्टिकुलर मूवी की रिलीज डेट कब होगी मुझे नहीं पता, लेकिन शूटिंग चल रही इतना पता। उसके अलावा श्री छत्रपति शिवाजी महाराज पर ट्रायलॉजी बने, जिसमें रितेश देशमुख हमें छत्रपति शिवाजी महाराज के रोल में नजर आने वाले हैं। यार ये पर्टिकुलर मूवी तो मैं खुद भी जाके देखूंगा, और मैं जितना एक्साइटेड हूँ शायद ही होगा, क्योंकि मैं तो महाराष्ट्र में रहता हूँ यार, मुझे तो एक्साइटेड होना ही था। उसके अलावा रामायण भी बन रही है, और ये भी अभी फिलहाल राइटिंग के स्टेज में है, और इसे बना रहे मधु मंटाना डायरेक्टर। और ऐसा सुनने में आया कि भाई रामायण पिक्चर में बहुत सारे हमारे इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के सुपरस्टार देखने को मिलेंगे जो अलग रोल प्ले करेंगे। पहले तो इसमें महेश बाबू, ऋतिक रोशन और दीपिका पादुकोण के नाम आए थे, लेकिन मुझे नहीं पता कि भाई इनमें से कौन क्या रोल निभा रहा है और इनमें से कौन एक्टर इस पर्टिकुलर मूवी को कर भी रहा है कि नहीं, क्योंकि महेश बाबू के बारे में मैंने सुना था कि वो इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट से अपने नाम को पीछे ले लिए, तो अब तो वक्त ही बताएगा। फिलहाल तो ये कुछ ऐसी अपडेट्स थी जो मैं देना चाह रहा था। आपको लोग मुझे बताओ कि आपको इनमें से कौन सी मूवीज
पहले देखनी है या जिसके लिए आप लोग वेट नहीं कर सकते। तो यार बस मिलते हैं इस वीडियो में, चलते हैं, बाय।